बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक केमिस्ट्री की हमने सीरीज स्टार्ट की है और हम 10th क्लास के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। आज के लेक्चर में बेटा हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप उनको ग्रैब कर सकें। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे कंटेंट्स में आज क्या है, कि हम क्या पढ़ेंगे आज। देखिए बेटा, जैसा कि आपके सामने है कि आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स किस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अल्केन्स, वी विल डिस्कस अल्कीन्स एंड वी विल डिस्कस अल्काइन्स। बेटा, अल्केन्स, अल्कीन और अल्काइन्स में हमने जो चीज़ें स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करनी है, इनके प्रिपरेशन स्टडी करेंगे बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस। सिमिलरली हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे, हम अल्कीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और हम अल्कीन्स के यूजेस को डिस्कस करेंगे। सिमिलरली वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्काइन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स एंड यूजेस ऑफ अल्काइन्स। तो बेटा, हमने हमारे पास तीन टाइप के जो हाइड्रोकार्बन है आपके सिलेबस के अंदर, अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्काइन्स। तो टर्न बाय टर्न हम इनकी प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस और इनके जो है वो प्रिपरेशन, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। जी, फर्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप्स होती हैं, इसको हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब यह है कि कार्बन कैन मेक 4 सिंगल बॉन्ड्स। जैसे अगर ये कार्बन है, इट कैन मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, 1, 2, 3 एंड 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो हम कहते हैं कि जो कार्बन की कोवेलेंसी है वो 4 है। कोवेलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। किसी भी एटम जो है, कोई भी जो एटम है, वो जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। तो फिर आ जाए डेफिनेशन की तरफ। 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड होती है। बेटा, फुली सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं विद अदर कार्बन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। फुली सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि जो चारों के चारों वैलेंसीज हैं, चारों के चारों जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल हैं और दूसरे एटम के साथ या कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड। जो कार्बन एटम्स की 4 वैलेंसीज हैं वो फुली सेटिस्फाइड हैं, यानी सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, डबल बॉन्ड कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मीथेन है, वी हैव मीथेन CH4। ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है, मोलेकुलर फार्मूला। कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4, यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 1, 2, 3 एंड 4। चार तरफ अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो हम देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन वाया कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्टेड हैं कार्बन के साथ। तो कार्बन ने 4 के 4 बॉन्ड जो है वो सिंगल ही बनाए हैं। इस तरह के कंपाउंड कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक और एग्जाम्पल देखिए, C2H6, कार्बन और कार्बन, एक हाइड्रोजन ये आ गई, 2 और 3। सिमिलरली 3 जो हाइड्रोजन हैं वो इस कार्बन के साथ भी अटैच हैं। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल हैं। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड है और इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप सिंपल याद रखें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अपने साथ, यानी कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड नहीं आता इसके किसी भी कंपाउंड में, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है कि जो 2 कार्बन एटम्स हैं, दे आर लिंक्ड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इनमें सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल नहीं है, बल्कि एटलीस्ट 1 बॉन्ड इज डबल। फॉर एग्जाम्पल, CH2
डबल बॉन्ड CH2, ये फार्मूला है इथीन का, और इथीन में जो कि डबल बॉन्ड आ गया है इसलिए कहलाएगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, CH3CH2। अब यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड भी है, ये सिंगल बॉन्ड है लेकिन एटलीस्ट जो है वो एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इस एक डबल बॉन्ड की वजह से इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक और बेटा एग्जाम्पल देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H। यहां पर देखिए ये सिंगल बॉन्ड है और ये जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जो है और जो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए तो कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कहा जाता है। तो अनसैचुरेटेड की फिर डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एटलीस्ट कम से कम कार्बन और कार्बन के दरमियान या एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल्स हैं अल्कीन्स और अल्काइन्स। बेटा आज हमने तीन हाइड्रोकार्बन की जो है वो डिस्कस करना है, एक अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जो अल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं और जो अल्कीन और अल्काइन है ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए अल्केन्स क्या होती हैं, पहले आप इनके सोर्सेज और जनरल प्रॉपर्टीज देख लें। अल्केन्स जो है इनका सोर्स है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जमीन से निकलते हैं जो कि लिविंग बॉडीज जो डेथ होने के बाद जमीन के अंदर जो है वो दफन हो गई, बरीड हो गई, तो उनके ऊपर जब प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वो पेट्रोलियम और गैस में कन्वर्ट हो गई, तो ये सोर्स है अल्केन्स का। इसी तरह मीथेन भी जो है वो अल्केन है। मीथेन की कंपोजिशन देखने अक्सर पूछ लेता है MCQs के अंदर, 85% जो है वो नेचुरल गैस है और बाकी जो 15% है उसके अंदर तीन गैसेज हैं, प्रोपेन, उसके अंदर है ब्यूटेन, ठीक है जी, ये दो गैसेस हैं। इसके अलावा मीथेन जो है इसको देख लें क्या है, मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं, ठीक है। मार्श गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दलदली इलाकों में पाई जाती है, जहां पर दलदल है, जो कीचड़ वाली जगह है वहां पर पाई जाती है, जैसे अकरदिन गोबर गैस, सीवेज गैस, इसी तरह बायोगैस विच आर फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग, डंग कहते हैं ये जो गोबर होता है उनके, उनकी डीकंपोजिशन से जो गैस बनाई जाती है वो मीथेन गैस होती है, ठीक है। इसी तरह एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, प्लांट वेस्ट से भी जो है वो मीथेन गैस बनाई जा सकती है, यानी जब आप इनके जो डंग है, जो गोबर है भैंसों का या गाय का या मैमल्स का, और उसको जब आप डालेंगे जमीन के अंदर, उसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे गैस के अंदर, तो वो जो गैस होगी दैट विल बी मीथेन गैस। नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन देखिए जी अल्केन्स की कैसे प्रिपेयर करते हैं आपके सामने देखें। पहला मेथड है इथीन से, जब आप इथीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो अल्केन बनती है। देखें यहां पर कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन में ऐड हो गई, दूसरी हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के अंदर ऐड हो गई, हमारे पास बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इथेन बन गई। सो अगर आप अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो अल्केन बनती है, यानी इथेन बनती है। नेक्स्ट देखें दूसरा मेथड, बल्कि प्रीवियस में एक चीज और नोट कर लें कि जो कैटलिस्ट है ना वो प्लैडियम लिया जाता है, प्लैडियम और चारकोल, प्लैडियम और चारकोल, और यहां पे तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये भी आप कंडीशन के अंदर शामिल करो। नेक्स्ट देखें जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरा मेथड है जब आप अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करते हैं। देखिए आपके पास है CH3Cl, बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो रिडक्शन कहलाती है। जब हम CH3Cl का रिएक्शन करवाते हैं जिंक और HCl के साथ, तो जिंक और HCl के रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, नेसेंट मीन एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करती है, यहां से क्लोरीन को निकालकर यहां पर खुद ऐड हो जाती है, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH4 बनेगा, यानी ये जो क्लोराइड है इसको एक हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया। चूंकि मिथाइल क्लोराइड में जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो हम कहेंगे कि मिथाइल क्लोराइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिथाइल क्लोराइड की रिडक्शन है या अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन है उससे क्या बनता है, उससे अल्केन बनती है। रिएजेंट देख लें जिंक और HCl। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है जी इनकी प्रॉपर्टीज, पहले देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें,
वन से लेकर फोर तक, यानी जो पहले चार मेंबर हैं जिसके अंदर शामिल है मीथेन, शामिल है एक कार्बन वाली C2H6, दो कार्बन वाली इथेन शामिल है C3H8 प्रोपेन और C4H10। ये जो पहले चार मेंबर्स हैं ये गैसेस हैं, यानी C1 से लेकर C4 तक। C5 से लेकर C10 तक जो है बेटा वो लिक्विड्स हैं, यानी जिनके अंदर कार्बन की तादाद 5 से लेकर 10 तक होगी वो लिक्विड्स कहलाएंगे। इसी तरह हायर मेंबर जो हैं वो सॉलिड होते हैं, यानी जो हायर मेंबर जिन C18 से ऊपर C20, C21, C22 वो जो है वो सॉलिड्स होंगे। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, यानी जैसे जैसे चेन के अंदर कार्बन की तादाद बढ़ेगी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेंगे। जैसे अगर आप देखें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो जिसके अंदर कार्बन की तादाद सबसे कम है, मीथेन में एक कार्बन है तो इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। C4H10 जो है इसमें कार्बन के चार एटम्स हैं, चूंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसलिए इसके अंदर जो है वो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। सो हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं हाइड्रोकार्बन के, वो उनके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके डायरेक्टली रिलेटेड है। जितने कार्बन एटम ज्यादा होंगे उतना ही उसके अंदर जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए हैलोजिनेशन, पहले देखिए हैलोजिनेशन क्या है। नॉर्मली जो अल्केन होती है ना उनको हम पैराफिन्स कहते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होती। रिएक्टिव ना होने की वजह ये है कि इनके पास ना तो डबल बॉन्ड मौजूद है, ना तो डबल बॉन्ड मौजूद है, नंबर टू ना इनके पास कोई पोलर बॉन्ड मौजूद है जिस तरह कार्बन और एक्स पोलर बॉन्ड हो, ना इनके पास कोई लोन पेयर मौजूद है। याद रखिएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो तीन वजह से हो सकती है, या तो इसके पास लोन पेयर हो, या उसके पास पोलैरिटी हो, या उसके पास जो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड हो। तो अल्केन के पास कोई भी नहीं है, इसलिए हम अल्केन को कहते हैं पैराफीन्स। तो आम हालात में ये जो अल्केन्स हैं वो रिएक्ट नहीं करती, इसलिए उनको पैराफीन्स कहते हैं। पैरा मीन लेस और फीन मीन रिएक्टिविटी, हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाए जरा इसके रिएक्शन हैलोजन की तरफ। हैलोजन के साथ ये जो रिएक्शन है वो करती है सूरज की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। लेकिन याद रखिएगा कार्बन का जो रिएक्शन है, जो मीथेन का जो रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ, वो इतना तेज होता है कि उसके लिए लाइट की भी जरूरत नहीं होती, लाइट के बगैर अंधेरे में भी रिएक्शन हो जाता है। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ये जो रिएक्शन है ये लाइट की मौजूदगी में होते हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर तो CH4+Cl2 अगर तो फास्ट लाइट है, बड़ी तेज रोशनी है, जिस तरह गर्मियों में दिन के वक्त 12-1 बजे बड़ी तेज रोशनी होती है, तो फिर जो वो बनेगा हमारे पास कार्बन ब्लैक प्लस 4HCl। लेकिन अगर रोशनी मध्यम है तो फिर क्या बनेगा, यू विल गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। जैसे देखें CH4 रिएक्ट करता है Cl2 से तो क्या बनेगा, CH3Cl। अब CH3Cl आगे फर्दर रिएक्ट करता है Cl2 से तो क्या बनेगा, CH2Cl2। इसको बोलते हैं मिथाइलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह देखें CH2Cl2 फिर रिएक्ट करेगा Cl2 से तो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा। और CH3 अगेन रिएक्ट करेगा Cl2 से तो क्या बनेगा, CCl4 बनेगा। तो अगर आप डिम लाइट के अंदर रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन के साथ तो यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, यानी पहले में मोनो हैलाइड, फिर डाई हैलाइड, फिर ट्राई हैलाइड और एंड पर टेट्रा हैलाइड बनेगा। नेक्स्ट है जी कंबस्टन। कंबस्टन बर्न करना होता है जी, आप जब जो भी हाइड्रोकार्बन है जब इसको बर्न करेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। कोयला है, कोयले को बर्न कर लें, सुई गैस है CH4 सुई गैस को बोलते हैं, इसको बर्न कर लें तो हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दें, कम कर दें, तो फिर बेटा क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये इंसानी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। इसको कहते हैं SRK। SRK स्टैंड्स फॉर साइलेंट रैपिड किलर, यानी इंसान को इतनी जल्दी मार देती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी डेथ हो गई है। अब ये देखें कि होता क्या है कि जब कमरे में आप रात को रूम हीटर जलाते हैं तो पहले पहल तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है।
अगर आप कमरे को बंद कर रहे हैं और कहीं से भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, तो कमरे के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो फिर रिएक्शन सेकंड वाला स्टार्ट हो जाएगा लिमिटेड सप्लाई में और कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, वो ऑक्सीजन जो है वो खून के साथ इतनी जल्दी बाइंड करती है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं होने देती, जिससे इंसान का दम घुटता है और दम घुटने से उसकी डेथ भी हो सकती है। अल्कीन्स देखें, अल्कीन्स पहले इनकी प्रिपरेशन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, इनके डबल बॉन्ड हो। पहली प्रिपरेशन देखें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन से मुराद है वाटर का रिमूवल। जैसे देखें यहाँ पर OH ग्रुप है, ठीक है, तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा एट 180 डिग्री सेल्सियस, तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, इथाइल सल्फोनिक एसिड, इथाइल बाइसल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अगले स्टेप में जब इसको आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इथीन के अंदर, ठीक है। तो यहां से OH निकल रहा है और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रही है, तो यहां से साथ वाटर भी रिमूव हो रहा है, वाटर भी रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो जब आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं, यानी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से वाटर को निकाल देता है और क्या बनती है बेटा, इथीन बनती है। नेक्स्ट देखें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से मुराद ये है कि आपने हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और हैलोजन को भी रिमूव करना है। इस तरह देखें, ये हैलोजन है और यहाँ से ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन कौन सी होती है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस तरह ये कार्बन डायरेक्ट ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ वाली कौन सी होती है बेटा, बीटा कार्बन होती है। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलेगी और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जिसके नतीजे में HBr जो है वो निकल जाएगा, यहां से HBr निकल जाएगा और अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पर जो आपने रिएजेंट यूज करना है, आपने यूज करना है KOH अल्कोहलिक, यानी आपने KOH को अल्कोहल के अंदर डिजोल्व करना है। अगर आप अल्कोहलिक यूज करेंगे तो फिर अल्कीन बनेगी। अगर आप यहां पर यूज करते हैं ना एक्वस अगर आप यूज कर लें तो फिर अल्कीन नहीं बनेगी, बल्कि फिर क्या बनेगी, फिर अल्कोहल बनने के चांसेस होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आप KOH पानी में डालकर यूज कर रहे हैं तो फिर अल्कोहल बनेगी, अगर आप KOH जो है वो अल्कोहल में डिसॉल्व करके यूज कर रहे हैं तो फिर वो क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। नेक्स्ट आ जाएं, केमिकल रिएक्शन देखें। चार केमिकल रिएक्शन है इसके, बड़े सिंपल से हैं। पहला रिएक्शन देखिए, जब अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाती है। ये पीछे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में भी पढ़ के आए हैं, तो क्या बनी, इथेन बनी। इस रिएक्शन को हम वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जब आप वेजिटेबल ऑयल का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो चूंकि वेजिटेबल जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी उनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, तो जैसे ही आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑयल फॉर्म से घी फॉर्म में चली जाती है। सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर द वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन। जब आप हैलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दो ब्रोमीन है, एक जो ब्रोमीन एक कार्बन में ऐड हो जाएगी, दूसरी ब्रोमीन जो है वो दूसरी कार्बन में ऐड हो जाएगी, तो आपका क्या बनेगा, ये वाला डाइब्रोमो इथेन बनेगी, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगी। अगर आप हाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, यानी HBr की एडिशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, यानी एक तरफ H ऐड होगा और एक तरफ Br ऐड हो जाएगा, तो ये CH2 जो है, जब यहाँ पर H2H ऐड होगा तो CH3 तब्दील हो जाएगा, CH2 तब्दील हो जाएगा CH3 के अंदर। फिर देखें, अगर हाइड्रोजन CH2 में ऐड होगी इस वाले में, तो ये CH2 से CH3 बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ब्रोमीन है वो CH2 से अटैच होकर क्या बन जाएगी, CH2Br। तो जब आप हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो उससे क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल ब्रोमाइड बनता है। ऑक्सीडेशन देखें, KMn4 का जब रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सीलेशन। तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर ऐड होते हैं, एक इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा और एक दूसरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऐड होगा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, इसका जो नाम है वो है ग्लाइकोल। नेक्स्ट देखें, यूजेस ऑफ इथीन देखें, इसके यूजेस बहुत इंटरेस्टिंग है। इथीन को जो है वो आप यूज करते हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आपने अक्सर जो है वो आजकल मैंगोज की पेटी देखी होगी, तो मैंगोज जो है ना उसको वक्त से पहले जब वो लोग तोड़ लेते हैं तो फिर उनको पकाने के लिए इथीन गैस का यूज करते हैं। अब याद रखिएगा, आपने अक्सर सुना होगा कि वो जो पेटियां होती हैं आमों की, उसके अंदर मसाला रखा होता है। वो मसाला क्या होता है बेटा, वो मसाला होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। वो हवा में नमी के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है बेटा,
इथाइन गैस प्रोड्यूस करता है, इथीन भी प्रोड्यूस करता है और इथाइन भी तो इथाइन भी जो है वो रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये इसकी केमिस्ट्री है। एज ए जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, बेहोश करने वाली दवाई। मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन की तैयारी जो शॉपिंग बैग होते हैं उनकी तैयारी के लिए यूज होता है। फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस, ये मस्टर्ड गैस बहुत पॉइजनिंग होती है और ये जंग के अंदर एज ए कीमियाई केमिकल वेपन यूज होती है, तो उसकी तैयारी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखें अल्काइन्स, अल्काइन की पहले देखें प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, पहले देखें कि विसिनल डाइहैलाइड होते कौन से हैं बेटा। विसिनल डाइहैलाइड वो होते हैं जिसमें दो कंजेक्टिव कार्बन के ऊपर दो हैलोजन अटैच हो, देखें ये दो कार्बन दोनों साथ साथ हैं, दोनों के साथ दो हैलोजन अटैच हो जाएंगे तो उनको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। जब आप इनकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो क्या बनता है आपके पास, अल्काइन बनते हैं। जिस तरह देखें एक हैलोजन यहां से गई और एक हाइड्रोजन यहां से, इसी तरह एक हैलोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, तो यहां से अगर आप 2HBr के मॉलिक्यूल निकाल देंगे 2HBr के, तो आपके पास बनेगा C2H2 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। इस तरह के डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड कौन से होते हैं जिनमें दो कार्बन के साथ जो है वो दो हैलोजन अटैच हो, दो के साथ दो, यानी यहां पर भी Br2 और यहां पर Br2। जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाएंगे तो एक जिंक इस Br2 को निकालेगी, दूसरी जिंक उस Br2 को निकाल देगी, तो ये क्या बना देगी प्लस ZnBr2, दो ZnBr2 निकल जाएंगे और ये जो कार्बन कार्बन देना ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इथाइन बन जाएगी C2H2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2 ये बनेंगे। नेक्स्ट बच्चे आ जाएं इसके जो है वो केमिकल रिएक्शन की तरफ। दो केमिकल रिएक्शन है, पहला रिएक्शन देखें एडिशन ऑफ हैलोजन, ये बिल्कुल उसका उलट है, जब इसके अंदर आप हैलोजन ऐड करते हैं तो क्या बनती है आपके पास डाइब्रोमो जो है वो टेट्रा ब्रोमो इथेन बनेगी, क्योंकि यहां पर दो ब्रोमीन ऐड होंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहला जब ब्रोमीन ऐड होगा तो जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ये देखें देखिए जरा CH डबल बॉन्ड CH और एक ब्रोमीन यहां पर अटैच है, एक इधर अटैच है, ये पहला स्टेप है। अगले स्टेप में क्या होगा, एक और ब्रोमीन ऐड होगा क्योंकि अभी डबल बॉन्ड और है, तो ये बन जाएगा CH और एक ब्रोमीन इधर ऐड होगी, एक ब्रोमीन इधर ऐड होगी, एक ब्रोमीन इधर ऐड होगी और एक जो है ऊपर ऐड होगी, तो ये बन गया टेट्रा ब्रोमोइथेन बन गया, दो कार्बन के साथ चार जो है वो ब्रोमीन अटैच हो गई। जी बेटा यहाँ पर जो है वो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर था, तो अब हम जो है वो जैसा कि हम हर चैप्टर के एंड पर जो है MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो हमारे MCQs के ऊपर किस तरह अप्लाई हो रहे हैं। पहले MCQs देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, अल्काइन का जनरल फार्मूला कौन सा है जी, अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2, ये वाला जो है ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का क्या फार्मूला होता है, प्रोपीन का फार्मूला होता है, ये प्रोपीन जो अल्कीन है, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, तो प्रोपीन के लिए n की वैल्यू 3 होती है, तो ये आ गया C3H2 × 3, कितना आ गया C3H6, कौन सा ऑप्शन बनता है बीटा C3H6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑक्सीडाइज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है बेटा, KMnO4, चूंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको हम जो है ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें ग्लाइकोल बनता है, पीछे हमने रिएक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट देखें, द फाइनल प्रोडक्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन इज, इथाइन की जो ऑक्सीडेशन है उसमें फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होता है जी, उसमें फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड, जिस तरह लास्ट में अगर हम प्रीवियस में स्लाइड में अगर देख सकें, रिएक्शन को फॉलो करें, ये देखें जब इथाइन के साथ रिएक्शन होता है KMnO4 का, तो ये बनाता है पहले स्टेप में जो है वो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे, दो हाइड्रोक्सिल एक कार्बन में, दूसरे दो हाइड्रोक्सिल दूसरी कार्बन के अंदर ऐड होंगे, इसके अंदर जब इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लाइऑक्सल बनेगा, ग्लाइऑक्सल का फार्मूला ये होता है, ऑक्सीडेशन होगी तो इसमें मजीद अगर ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सैलिक एसिड बनेगा और ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH और COOH, तो उसका जो ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी
बीटा ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो है वो आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आपने तमाम कंटेंट्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। और बेटा आखिरी बात, अगर आपने हमारा जो है वो यूट्यूब का चैनल एम के प्रिपरेशन, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम ये वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, उसको लाइक शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। बेल आइकन से ये होता है कि जब भी नई वीडियो आती है इन्फॉर्मेटिव, तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाता है कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसी तरह बेटा हमारा फेसबुक पर भी अपना पेज है, उसको भी फॉलो कीजिए एम के प्रिपरेशन के। और जो व्हाट्सएप में जो आजकल चल रहा है उसमें भी हमारा पेज व्हाट्सएप पेज बना हुआ है एम के प्रिपरेशन के नाम से, तो उसको भी जरूर आप लोग फॉलो कीजिए। तो यहां पर जो हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।